स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया गया है। अब इस योजना का नाम होगा श्री अन्नपूर्णा रसोई। तो योजना का नाम बदला गया है, इंदिरा गांधी योजना का नाम बदल दिया गया है। इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई रख दिया गया है। यह बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये बड़ी घोषणा की गई। इंदिरा रसोई की कमियों को देखते हुए फैसला किया गया है और अब कहा जा रहा है कि रसोई में जो कमियां थी उन्हें भी ठीक किया जाएगा। न सिर्फ नाम बदला गया है बल्कि वहां पर काम भी बदलेगा और वहां पर ज्यादा बढ़िया तरीके से लोगों को भोजन परोसा जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बड़ा ही महत्वपूर्ण। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर पदाधिकारियों और मंत्रियों की बैठक ली जा रही है। तो इसी दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी के सामने एक बड़ा फैसला कर दिया और इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया गया है। इंदिरा रसोई की कमियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, नाम बदलने के पीछे क्या मकसद? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधायकों के साथ संवाद चल रहा है और इसी बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला जो है वो लिया है और इंदिरा रसोई का नाम अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है वो कर दिया। दरअसल अन्नपूर्णा पहले ही भी जो है वो नाम था, लेकिन गहलोत सरकार ने उसे इंदिरा रसोई जो है वो नाम कर दिया था, लेकिन अब फिर से राज्य सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा योजना कर दिया। लेकिन अन्नपूर्णा से पहले श्री लगाया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि श्री अन्न जो मोटा अनाज को जिस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार प्रमोट कर रही है, इस लिहाज से इसे श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है वो कर दिया गया। यानी बड़े फैसलों की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सीएम भजनलाल शर्मा ने ये निर्णय जो है वो लिया है और प्रधानमंत्री के सामने ही इस बात को अवगत कराया कि इस योजना का नाम अब फिर से जो है वो बदला जा रहा है। देखिए इस पर राजनीति जो है वो काफी हुई थी। जब गहलोत सरकार ने अन्नपूर्णा योजना जो वसुंधरा राजे शासन काल में आई थी और उस वक्त जो है वो नाम बदला गया था, इसे इंदिरा रसोई किया गया था, तो काफी राजनीति हुई थी कि अन्नपूर्णा जो है वो माँ देवी जो अन्नपूर्णा है उनके नाम पर इसका नाम जो है वो रखा गया था, लेकिन गहलोत सरकार ने इसे इंदिरा रसोई जो है वो कर दिया था। और अब जब बीजेपी सरकार आ चुकी है, पीएम मोदी जब विधायकों के साथ संवाद कर रहे हैं, तो इस संवाद से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला जो है वो बताया और प्रधानमंत्री को के सामने बात कही कि अब अन्नपूर्णा योजना जो है वो इसे रखा जाएगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इंदिरा रसोई में जो है वो काफी कुछ कमियां जो है वो थी, इस लिहाज से अब इसे श्री अन्नपूर्णा रसोई नाम से जो है वो जाना जाएगा। इसमें 8 रुपए के हिसाब से जो है वो भोजन जो है वो जरूरतमंदों को मिलता था, लेकिन अभी ये फैसला जो है वो आया है। अब किस प्रकार की कमियां थी, क्या सुधार राज्य सरकार करने जा रही है, ये कुछ देर में जो है वो स्पष्ट होगा, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इतना बड़ा फैसला लेना, ये वाकई कह सकते हैं कि सीएम भजनलाल ने अपनी मंशा जो है वो जताई है कि किस प्रकार से जो नाम जो है वो बदले गए थे उन्हें फिर से जो है वो दुरुस्त राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। चिरंजीवी योजना को लेकर लगातार जो बात सामने आ रही थी कि जो आयुष्मान योजना है उसी का ही पार्ट जो है वो चिरंजीवी योजना है, तो अब उस दिशा में भी जो है वो राज्य सरकार संभवतः आगे बढ़ेगी और पेट्रोल और डीजल के बारे में भी कहा जा रहा है कि उस पर भी जो है वो कुछ फैसले हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो बैठक की शुरुआत के साथ बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है और इंदिरा रसोई योजना को अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जाना जाएगा और उसके जरिए, चूंकि बीजेपी देखिए जिस प्रकार की राजनीति करती है और अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा जो कह सकते हैं कि अन्न से जो है वो परिपूर्ण ये धरा रहे, उस लिहाज से जो है वो एक अन्नपूर्णा योजना जो है वो नाम पहले दिया गया था वसुंधरा राजे के शासनकाल में, अब उसे फिर से जो है वो बदल दिया गया है। लेकिन अब इस बदलाव के साथ क्या कमियां थी, उन्हें किस प्रकार से दुरुस्त जो है वो किया गया है, आम लोग इस रसोई में किस प्रकार से भोजन कर पाएंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन
इस बैठक के साथ ये इस प्रकार का निर्णय लेना अपने आप में वाकई चौंकाने वाला फैसला जो है वो सीएम भजनलाल ने करके दिखाया है जी। बिल्कुल सौरभ, बैठक की शुरुआत में एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से, ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम भी घटाए जा सकते हैं। हालांकि अभी बैठक जारी है, माना जा रहा है कि कई और फैसले भी सामने आएंगे, लेकिन इंदिरा रसोई योजना में क्या कमी रही और उसे कैसे सुधारा जाएगा नाम परिवर्तन के बाद, ये आने वाला वक्त बताएगा। और श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना इसका नाम चूंकि रखा गया, जैसा कि आप बता रहे हैं सौरभ कि श्री अन्न से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए भी, क्योंकि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए लगातार केंद्र सरकार की ओर से कोशिशें की जा रही हैं। और इससे पहले भी आपने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के डिनर में भी इसे शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कई तरह के संयोग जो है वो आज के इस बैठक के साथ देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री अमूमन विधायकों के साथ इस प्रकार की बैठक जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन एक ये बड़ा संयोग है कि राजस्थान में नई सरकार के तमाम विधायकों के साथ प्रधानमंत्री जो है वो चर्चा कर रहे हैं। साथ ही डिनर की व्यवस्था जो है यहाँ पर रखी गई है, और उस डिनर में श्री अन्न जो मोटा अनाज कहा जाता है, मोटा अनाज श्री अन्न को लेकर जिस प्रकार से केंद्र सरकार योजना लेकर आई और किस प्रकार से देश दुनिया में इसका प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है, तो उसे किस प्रकार से और ज्यादा प्रमोट किया जा सके आम जनता, चूंकि देखिए मोटा अनाज खाने से कहा जाता है कि कम रोग जो है वो होते हैं और शरीर जो है वो दुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है। इस लिहाज से इस योजना को बढ़ाने की कोशिश जो है वो मोदी सरकार ने की थी, लेकिन भजनलाल सीएम भजनलाल ने जिस प्रकार से इसे तुरंत प्रधानमंत्री के सामने इम्प्लीमेंट करके ये बताने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार के हर कदम के साथ जो है वो राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी, डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार के नारे चुनाव के समय देखने को मिले थे उस अंदाज में ही जो है वो राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला जो है वो लिया है, ताकि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार जो है वो किया जाए। क्या ये श्री अन्न अब इंदिरा माफ कीजिएगा अन्नपूर्णा रसोई योजना में देखने को मिलेगा? क्या आम जनता, क्या जरूरतमंद लोग श्री अन्न को जो है वो इस अन्नपूर्णा रसोई योजना में चख सकेंगे? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए कुछ कमियों की बात जो है वो की गई है। क्या इस प्रकार का अन्न इस रसोई में भी देखने को मिलता है? ये जो है वो कई बातें अब और भी स्पष्ट होनी बाकी है, लेकिन ये बताता है किस प्रकार से राज्य सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है और ये एक बड़ा फैसला करके ये बताने की कोशिश जो है वो की गई है प्रधानमंत्री के सामने कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के तमाम जो योजनाएं हैं या फिर उनके जो दिशा निर्देश है उनको लेकर आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल सौरभ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या श्री अन्नपूर्णा रसोई में श्री अन्न को शामिल किया जाता है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर अब हमलावर होगा ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब पहली बार नाम कांग्रेस ने बदला था अन्नपूर्णा रसोई योजना का, तो उस दौरान भी हंगामा हुआ था बीजेपी की ओर से, तो अब कांग्रेस की बारी है। देखिए कांग्रेस इस लिहाज से इस पर हंगामा नहीं कर सकती, क्योंकि ये योजना जो है वो वसुंधरा राजे शासनकाल में यानी बीजेपी के शासनकाल में ही आई थी और अन्नपूर्णा योजना उसे नाम जो है वो दिया गया था, और जिस प्रकार से उसे गहलोत सरकार ने बदला और उसके बाद बीजेपी ने जो है वो काफी हंगामा किया था कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि अन्नपूर्णा योजना का नाम जो है वो बदला जाए। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। बड़ा एक फैसला पीएम मोदी के सामने लेने की कोशिश की गई है? नहीं, देखिए अन्नपूर्णा के नाम पर योजना पहले भी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम पर इसको शुरू किया। अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा के नाम से चल रही योजना को बंद करके इनकी जो आराध्य देवी है इंदिरा गांधी जी, उनके नाम पर इस योजना को इन्होंने शुरू किया, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि इन्होंने केवल खानापूर्ति की, किसी भी जरूरतमंद को इसका लाभ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि मां अन्नपूर्णा के नाम पर शुरू की गई इस योजना का लाभ हर उस जरूरतमंद व्यक्ति को मिले जो इसकी जरूरत समझता है, ना केवल मिले बल्कि क्वालिटी के साथ मिले और पूरा फूड उसके पास पहुंचे। श्री अन्नपूर्णा नाम रखा गया है, तो क्या श्री अन्न को इसमें शामिल किया जाएगा? क्या जरूरतमंद लोग मोटा अनाज जो श्री अन्न जो है वो भी अब इसमें चक पाएंगे? इसके बारे में तो सरकार ज्यादा बताएगी, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि भगवान जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने श्री अन्न को पूरी तरीके से प्रमोट किया है और मिलेट वर्ष कुछ पिछले वर्ष मनाया, बाजरे को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित कराया। आप ये मानकर चलिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो घोषित करवाया, आप ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में जो अन्न उत्पन्न हो रहा है, वो जो हमारा अनाज है मोटा अनाज है, उसको प्रमोट किया जाए और निश्चित रूप से उसकी सहभागिता भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले। एक लास्ट सवाल बता दीजिए,
प्रधानमंत्री के सामने इस योजना का नाम बदलने के पीछे भजनलाल शर्मा क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए 15 दिन हुए उनको मुख्यमंत्री बने हुए और 15 दिन में उन्होंने पूरी कोशिश की कि प्रधानमंत्री जी जो गारंटी राजस्थान की जनता को देकर गए उसको पूरा करें। उन्होंने इस 15 दिन के अंदर 450 रुपए का सिलेंडर दिया, पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी बनाई, संगठित अपराध के खिलाफ एसआईटी बनाई, ये जो ईआरसीपी पे काम शुरू किया, ये जो आपने 25 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत में लाभ देना शुरू किया और अब ये शुरू किया। तो केवल एक दिन किसी के हमारे प्रधानमंत्री जी के आने से इसको जोड़कर ना देखें बल्कि 15 दिन में उन्होंने 15 घोषणाएं इस तरीके से किए जिसका वादा उन्होंने किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है लक्ष्मीकांत भारद्वाज जो बता रहे हैं किस प्रकार से भजनलाल शर्मा की सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है, किस प्रकार के तमाम जनता के हित में फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं और ये फैसला भी उसी रूप में जो है वो देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल सौरभ, एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। ऐसे में अब सबको उम्मीद है कि कुछ और बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा सौरभ, आपके पास लौटेंगे लेकिन बड़ी खबर